Hello friends, today we will discuss about the important questions of permutation group. बहुत ही important question है और बहुत ही ज़्यादा competitive exam में पूछे जाते हैं. हमारा सबसे पहला question है, if A equal to A, B, C, B, C, A और B equal to A, B, C, C, A, B, then which statement is correct? A, B not equal to B, A, B equal to B, B equal to A. इनमें से मतलब चार ऑप्शन आपको दी गई है, कौन सी करेक्ट होगी ये फाइंड आउट हमने करना है. तो ये परमोटेशन दी गई है हमारे पास ये दो, तो देखिए इनमें से कैसे फाइंड आउट करना है इसका रिजल्ट. सभी में एक चीज़ कॉमन है, भी सभी में ए बी देखना है, भी ए बी का प्रोडक्ट मतलब ए और बी को प्रोडक्ट कर चेक करना पड़ेगा भी कौन सा आंसर आता है. तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी को प्रोडक्ट कर दो. ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है. प्रोडक्ट कैसे करोगे आप, इसको प्रोडक्ट करने के लिए देखिए राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. ए की वैल्यू कितनी, ए कहाँ पर जा रहा है, सी पर, और फिर लेफ्ट हैंड साइड पर सी चेक करना है, सी कहाँ पर जाए, सी कहाँ जा रहा है, ए पर. तो मतलब ए से स्टार्ट किया था और ए आ गया. ऐसे ही अब सेकेंड एलिमेंट चेक करो, सेकेंड एलिमेंट बी है, बी कहाँ पर जा रहा है, ए पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर ए कहाँ पर जा रहा है, बी पर. तो मतलब बी बी पर जा रहा है, इसका मतलब बी किस पर जा रहा है, बी पर. ऐसे ही अब थर्ड एलिमेंट सी है, उसको चेक करना पड़ेगा. जैसे राइट हैंड साइड में सी कहाँ पर जा रहा है, बी एलिमेंट पर जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपने बी चेक करना है. ये वाला जो एलिमेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से देखना होता है भी कहाँ पर जा रहा है, बी एलिमेंट कहाँ पर जा रहा है, बी एलिमेंट सी पर जा रहा है. तो इसका मतलब सी जो है वो कहाँ पर जा रहा है, सी पर. अब जब एलिमेंट सेम, जैसे ए ए पर चला गया, बी बी पर चला गया, सी सी पर चला गया, तो इस एलिमेंट को हम कहते हैं आइडेंटिटी. ए बी इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, आई. सिमिलर अगर हम बी ए को मल्टीप्लाई करें, जैसे बी ए को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बी ए बी का एलिमेंट लिख दिया, फिर ए का एलिमेंट लिख दिया. अब इनको अगर मल्टीप्लाई करना पड़े तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. ए देखिए ए कहाँ पर जा रहा है, बी पर. तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पर बी कहाँ जा रहा है, ए पर. इसका मतलब ए से स्टार्ट हुआ था और ए से एंड हो गया. और इसके बाद देखिए बी देखो कहाँ पर जा रहा है, बी एलिमेंट है वो जो सी पर जा रहा है राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर सी से चेक करना होता है, सी कहाँ पर जा रहा है, सी जा रहा है बी पर. इसका मतलब बी से स्टार्ट हुआ था, बी पर ही चला गया. सिमिलरली सी चेक करना है, राइट हैंड साइड पर जो सी एलिमेंट है हमारा वो जा रहा है ए पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर जे वाला जो ए है वो कहाँ पर जा रहा है, सी पर. इसका मतलब सी एलिमेंट सी पर ही जा रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ ए ए पर जा रहा है, बी बी पर जा रहा है, और सी सी पर जा रहा है. तो जब ऐसा हो तो उसको फिर क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट. तो इसके अकॉर्डिंग हमारी ए बी की वैल्यू भी आई आ गई और बी ए की वैल्यू भी आई आ गई है. इसका मतलब हमारी ऑप्शन कौन सी ठीक होगी इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसके लिए. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमारे पास ये दो परमुटेशन दी गई हैं, एक ए और एक बी, देन विच वन इज ट्रू. चार ऑप्शन दी गई हैं, इसमें फिर वही करना पड़ेगा आपको, ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए बी को प्रोडक्ट करने पर क्या आंसर आता है. तो सबसे पहले देखिए ए बी, ए की वैल्यू लिख लो, बी की वैल्यू लिख लो. अब राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, वन कहाँ पर जा रहा है, वन जा रहा है थ्री पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर थ्री कहाँ पर जा रहा है, थ्री पर. इसका मतलब जो वन है वो डायरेक्टली कहाँ पर जा रहा है, थ्री पर. सिमिलरली टू कहाँ पर जा रहा है हमारे पास, वन राइट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर वन कहाँ जा रहा है, वन जा रहा है वन पर. इसका मतलब टू कहाँ पर जा रहा है, डायरेक्टली इस वन पर. तो जहाँ पर मतलब टू कहाँ पर जा रहा है, वन पर. इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, थ्री कहाँ पर जा रहा है, टू पर, और लेफ्ट हैंड साइड पर टू कहाँ पर जा रहा है, टू जा रहा है टू पर. तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला जो थ्री है वो कहाँ पर जाएगा, टू पर, थ्री चला गया टू में. सिमिलरली फोर जाएगा फाइव में, फाइव जाएगा फोर में. तो ये वाली जो
हमारे पास परमोटेशन आगे ये वाला जो वो है हमारा सिमिलर बी के इक्वलेंट हो गया है। तो इसका मतलब ये बी के इक्वलेंट होगा, इसका मतलब हमारी जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगी, ए भी इक्वल टू बी के इक्वलेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल टू एक परमोटेशन बी एक दी गई है, देन विच वन इज ट्रू, ए का इनवर्स इक्वल टू बी होगा, बी के इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए होगा, या ए के इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू बी होगा, या कोई भी नहीं होगा इनमें से। देखिए जब भी आपको इनवर्स निकालना आ जाए, जैसे जहाँ पर ए है, ए का अगर इनवर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ये ऊपर वाली जो रो है उसको सेकेंड रो में एडजस्ट कर देना है और जो सेकेंड वाली है उसको फर्स्ट रो में कर देना है। जहाँ पर देखो जब ए इनवर्स निकाला तो जो फर्स्ट रो थी ये जहाँ पर आ गई हमारे पास सेकंड रो, और जो सेकंड रो थी वो जहाँ पर आ गई हमारी फर्स्ट रो। बस ये ए इनवर्स निकालने का शॉर्टकट ये है। तो ये हमारे पास जो परमोटेशन आ गई ये हमारी किसके इक्वलेंट है, ये हमारी बी के इक्वलेंट, इसका मतलब ए इनवर्स किसके इक्वलेंट हो गया, बी के, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ द एक परमोटेशन दी गई, इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, जे वाली जो रो होगी वो सेकंड नंबर पर जाएगी, देख लो ऑप्शन में कहाँ पर जे सेकंड नंबर पर जा रही है, ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है, जे सेकंड नंबर पर जा रही है और जहाँ पर जे जो सेकंड नंबर वाली है वो फर्स्ट नंबर में जा रही है, तो ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडेंटिटी परमोटेशन इज, जो आइडेंटिटी परमोटेशन होती है जिस ऑलवेज ये जो होती है इवन परमोटेशन होती है, इसको याद ही रखना सभी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनवर्स ऑफ इवन परमोटेशन इज, अगर इवन परमोटेशन है उसका इनवर्स भी क्या होगा, इवन ही होगा, तो इसकी भी ऑप्शन ए करेक्ट होगी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर पी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 1, 2, 3, 4, तो पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी, नीचे चार ऑप्शन दी गई है, कोई एक तो करेक्ट होगा उसमें से। देखिए सबसे पहले ये जो पी है उसको कैसे लिखोगे परमोटेशन में, पी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 लिखा है, तो इसको लिखोगे कैसे, इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, जैसे 1 गया 2 में तो यहाँ पर 1 2 में चला गया, 2 गया 3 में तो 2 चला जाएगा 3 में, सिमिलर कर जे वाली इसकी इसको ऐसे लिखा जाता है। तो अगर हमने पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब पी डॉट पी आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वही होगा, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, 1 देखिए कहाँ पर जा रहा है, 1 जा रहा है 2 पर, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 कहाँ पर जा रहा है, जहाँ मतलब राइट हैंड साइड का जे वाला 2 है, जहाँ पर जे ख़त्म होता है लेफ्ट हैंड साइड पर वहीं से स्टार्ट करना होता है, 2 कहाँ जाएगा हमारा 3 पर, तो इसका मतलब डायरेक्ट जो 1 है वो कहाँ पर जाएगा 3, तो इसका मतलब जो 1 है वो कहाँ जा रहा है 3 पर। सिमिलरली जो हमारा 2 है 2 जा रहा है 3 में, और लेफ्ट हैंड साइड पर 3 कहाँ पर जा रहा है 4 पर, तो 2 जो है वो कहाँ जा रहा है मतलब 4 पर जा रहा है, तो वही नीचे जहाँ पर लिख दो 2 4 में जा रहा है। सिमिलरली 3 जो है वो जा रहा है 4 को, और जहाँ पर 4 जो है वो कहाँ जा रहा है 1 को, तो इसका मतलब जो 3 है वो कहाँ पर जा रहा है 1 को, मतलब ये वाला जो 3 है वो कहाँ जा रहा है 1 को। इसके नेक्स्ट जो 4 है वो जा रहा है हमारे पास 1 को, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो 1 है वो कहाँ जा रहा है 2 को, तो डायरेक्ट देखोगे तो 4 कहाँ जा रहा है 2 को, मतलब 4 चला गया 2। तो इसको अगर हम साइकिल में लिखेंगे तो लिखेंगे, देखिए 1 के इसको अगर साइकिल में लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे, 1, 3, 3, 1, ये एक हो गई, और नेक्स्ट होगी 2, 4 और 4, 2, उसको सेकंड में लिख दिया, तो ये हमारे पास आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर एट में क्या है द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन। एक परमुटेशन दी गई है, इसका ऑर्डर हमने फाइंड आउट करना है। जो ऑर्डर होता है उसको जब फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले जो परमुटेशन है उसको हमने डिस्टिंक्ट साइकिल्स में लिखना होता है। तो हमने इस जो परमुटेशन है इसको डिस्टिंक्ट साइकिल में लिख लिया, एक की लेंथ 4 है और एक की लेंथ 2 है। तो जो ऑर्डर होता है परमुटेशन का वो होता है एलसीएम ऑफ पहले साइकिल की लेंथ और सेकंड साइकिल की लेंथ। 4 और 2 दोनों का एलसीएम कितना होगा? 4। तो हमारे पास जो ऑप्शन सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द परमुटेशन। ये भी हमारे पास एक परमुटेशन दी गई है, इसको सबसे पहले डिस्टिंक्ट साइकिल में लिखोगे तो इसका एक ही साइकिल बन रहा है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो एलसीएम इसका ऑर्डर ऑफ परमुटेशन कितना होगा? एलसीएम 1 और 3 का, तो इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ इवन परमुटेशन इज। दो इवन परमुटेशन होगी तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इवन ही होगा, तो इसकी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।